नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं योर स्टोरी, हिंदी का खास शो नौकरी लेनी नहीं देनी, जिसमें हर हफ्ते हम वीडियो में आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने हुनर पे यकीन रखा, अपने सपनों को सम्मान दिया और खुद तो आत्मनिर्भर बने ही और को भी रोजगार दिया। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हमारे साथ मानस मित्रा जी हैं। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। बातचीत को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं बैठा हूं, जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बैठा हूं, वहां के डायरेक्टर हैं मानस जी। एक दौर था कि 4 पुराने कंप्यूटर लेकर शुरुआत करी थी और आज 2 अकेडमी हैं, 50 कंप्यूटर्स हैं। तो ये जर्नी कैसे रही मानस जी, कब शुरुआत किया आपने? शुरुआत में नौकरी भी करी, फिर छोड़कर आप वापस लखनऊ आए और ये सेटअप शुरू किया। देखिए, एक तो मेरे पिताजी नहीं है, जब मैं बचपन का 1 साल था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माता जी ने ही मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और हर एक समय एक मध्यम वर्ग परिवार का एक ये होता है कि अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना है। अभी भी वही चल रहा है। तो मेरी माता जी का ये सपना था कि मैं अपने बेटे को, 2 भाई हैं, एक को उन्होंने आर्टिस्ट बनाया और दूसरे को उनका था कि मैं इसको इंजीनियर बनाऊँ। लेकिन इंजीनियर बनाना तो बहुत आसान है, फिर उसके बाद के बहुत सारे दुस्स्वप्न हैं। आप लखनऊ शहर में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है लोगों के लिए, तो सबको बाहर जाना पड़ता है। तो मैंने भी अपनी पढ़ाई रामस्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज से करने के बाद, जैसे सब लोग जाते हैं, मैं भी बैंगलोर चला गया। बैंगलोर तो चला गया, वहाँ जॉब भी मिल गई, लेकिन एक दिल में कसक लगती थी कि यार मैं लखनऊ नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत महीने हो जाते थे, मेरी माता जी जॉब करती थी, वो छोड़ के भी नहीं जा सकती थी, और एक अकेलापन सा था और उनके अंदर भी वो चीज़ थी। तो हमेशा ऐसा लगता था क्यों नहीं लखनऊ में कुछ हो, कि मैं अपने शहर में रह के ही कुछ नहीं करता। फिर मैंने प्रयास किया मैं लखनऊ के थोड़ा करीब आ जाऊँ, तो बैंगलोर से मैं नोएडा आ गया। फिर लेकिन आप जानते हैं, प्राइवेट जॉब मीन्स प्राइवेट जॉब, वहाँ पर भी कोई छुट्टी नहीं। फिर वही मायूसी, फिर वही अकेलापन, हमेशा घर की चिंता। तो हमेशा मैं यही सोचता था कि मैं लखनऊ में कुछ करूं। तो मैंने प्रयास किया कि मैं, दिमाग में आया, मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने केवल 4 पुराने कंप्यूटर खरीदे, 1 एम्प्लॉय के साथ स्टार्ट किया। देखते देखते इन विगत 10 वर्षों में केवल अकेडमी को लें तो करीबन 10 एम्प्लॉय हैं, और अगर एग्ज़ाम सेंटर को जोड़ दें तो करीबन 40 से ज़्यादा लोग हमारे साथ काम। अगर बात करें वो पहले बैच की, जो पहला आपने बैच शुरू किया, उसमें कितने बच्चे थे आपके साथ? बच्चे आते नहीं थे, क्योंकि एकेडमी, वो भी पुराने कंप्यूटर, एक लुक नहीं आता है आजकल, हर चीज़ लुक पे चलती, फील नहीं आता है। तो स्टूडेंट आते थे और देख के चले जाते थे। तो वहाँ कुछ कलर्स होने चाहिए, तो हम लोग ने कलर किया, टेबल्स में कलर कराई और कुछ नयापन लेके आए। तो हमारा पहला जो बैच था मात्र 2 स्टूडेंट का था, और वो भी बहुत मुश्किल से आए थे। आज कितने बैचेस चल रहे हैं? आज सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक लगातार 12 बैचेस चलते हैं। ज़्यादातर बैचेस हमारे फुल हैं, और दोनों अगर ब्रांच मिला दिए जाए तो लगभग 40 से 45 के आसपास एवरेज एक रहता है। कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं हमारे? कंप्यूटर टाइपिंग से लेके हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, साथ में टैली है, ओ लेवल है, CCC है, प्रोग्रामिंग के सारे हैं, पाइथन है, जावा है, सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा PHP, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सभी कुछ। अच्छा, जो 12th पढ़ के आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए सबसे बेहतर कोर्स कौन सा मानते हैं? वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे जाता है कि उसको किस पे इंटरेस्ट है। सपोज करिए डिज़ाइनिंग पे इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं आपका। अगर अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो टैली का कोर्स है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है तो CCC लेवल है। इस तरह के अलग अलग कोर्सेज उसके इंटरेस्ट पे। एक आखिरी में मैं छोटा सा मैसेज चाहूँगा आपसे कि जो अपना कुछ करना चाहते हैं, जो नौकरी की तरफ, नौकरी की भीड़ चाल में नहीं जाना चाहते, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, ये हमेशा से जब मैं जॉब करता था तब मेरे साथ ये था कि मैं किसी को जॉब में रखूँ ना कि मैं जॉब करूँ। मैंने उसके लिए संघर्ष किया, बहुत उधार भी लिया, किसी तरह से काम किया, लेकिन आज मैं खुश हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कहीं भी जाना होता तो स्वतंत्र हूँ, 9:30 का 10 बज भी जाता है तब भी स्वतंत्र हूँ। आप, मैं अलग दिशाओं में भी काम कर पाता हूँ, आपको पता है मैं कई दिशाओं में अलग भी काम करता हूँ, तो उसके लिए मुझे समय मिलता है, मेरे साथ लोग हैं। बस मैंने एक चीज़ हमेशा ध्यान दी कि किसी को एम्प्लॉय नहीं समझते, हमेशा एक भाई की तरह, मित्र की तरह सबके साथ रहे हैं, और एक दोस्ताना व्यवहार बना के, सभी हमारे टीचर्स हैं उनके साथ हम लोग रहते हैं, और बहुत अच्छे से एक अच्छे माहौल के साथ हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मानस मित्रा जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी कहानी बताई, अपने संघर्ष की कहानी बताई। वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो से जुड़ा जो भी सुझाव है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रहे हैं,
हमें फॉलो कर लें, हमें लाइक कर लें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।